केस बहुत बढ़िया था हमारा अमीर भाई जो मैंने करा केस सच्चाई हकीकत है जो पिक्चर में है स्टोरी है वो सच्ची कहानी है और बड़ी मेहनत की भाई साहब ने और दाव भी बहुत बढ़िया वजन भी ठीक बढ़ाया था सही पहलवान कैसी बॉडी बनाई है बहुत बड़ी मेहनत की है और मैंने इस दुनिया को पता लग गया हकीकत क्या है हिंदुस्तान के अंदर खास करके हरियाणा में लड़का और लड़कियों का काफ़ी भेदभाव है लेकिन ये जो पिक्चर स्टोरी देखा है पिक्चर देखेगा दंगल अच्छा माँ बाप में आज फर्क हो गया और उसके बाद में काफ़ी बदलाव आएगा जो लोग अपनी लड़कियों को कम इज्जत देते हैं वो माँ बाप विशेष सबक लेंगे और अपनी लड़कियों को जो मैंने पाली है पोसी हैं वैसी इज्जत वह माँ बाप अपनी लड़कियों करेंगे मेरे पूरा या सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है महावीर जी और उनकी दो बेटियाँ गीता बबीता हमें बड़ी चिंता थी कि आप लोगों को पिक्चर कैसी लगेगी तो हमें बेहद खुशी है कि महावीर जी गीता जी बबीता जी को फिल्म इतनी पसंद आई है और जो उनकी कहानी है वो हम पर्दे पर ला सके हैं और इनको इतनी अच्छी लगी है तो हमें सबसे बड़ी खुशी उस बात की और सचिन जी भी आए थे आज राज जी भी आए थे सभी को फिल्म बहुत पसंद आई और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमने मेहनत की है जो नितिश सर ने जो कहानी और डायरेक्शन किया है और पूरे टीम ने जो काम किया है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और वी आर वेरी हैप्पी बहुत खुशी हो रही है हमें बहुत खुशी हो रही है महावीर जी ने आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया जब देखने के बाद महावीर जी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको फिल्म में देखिए सबसे अच्छी जो कुश्ती लगी और जो लड़कियाँ से जो प्यार मैंने प्रेम दिया है लड़कियों को जो प्रेम दिया है हाँ और जो मेहनत की है उनकी करवाई जो उनको बुरा लगा था लग रहा था लेकिन उन्हें बाद में लगा पिताजी अच्छे करवा रहे हैं हाँ तो क्यों देखो कोई भी जो बड़ी अच्छा काम करोगे तो उसके बाद आएंगे मेरे काफ़ी दिक्कतें आई हैं पैसे की दिक्कत आई है समाज की गाड़ियाँ छुड़ी हैं बहुत समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे लेकिन अभी ये जो पिक्चर देखी भाषा जो मेहनत करा की है दुनिया पता चल जाएगा अभी वाक्य में फिक्र क्या है See, I am never confident. I always am nervous about all my films. तो जब भी हम इतने प्यार मोहब्बत से फिल्म बनाते हैं तो हमें फिक्र होती है कि ऑडियंस को कैसे लगेगी अब तक ऑडियंस ने नहीं देखी अब तक हमारे दोस्त देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं आज महावीर जी ने देखा तो जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छी लग रही है हमें बड़ी खुशी है लेकिन हमें इंतज़ार है कि जब 23 को फिल्म लगेगी और ऑडियंस देखेगी उनको कैसे लगेगी हमें उसका इंतज़ार है किन के लिए हाँ हाँ मैंने उनको मैसेज दिया है कि वो जब भी फिल्म देखना चाहें क्योंकि दोनों मसरूफ़ हैं तो जब भी वो फिल्म देखना चाहें हम उनके लिए स्क्रीनिंग रखेंगे ज़रूर हाँ बैन हट गया है लेकिन हमारी फिल्म वहाँ नहीं लग रही है वो मैं आपको बाद में बताऊँ थैंक यू अच्छा मिल रहा है थैंक यू सो मच नहीं बिल्कुल आमिर खान जी से मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता का रोल बखूबी निभाया है और उन्होंने जो जितनी मेहनत की है वो फिल्म में दिख रही है तो और मेरा रोल में फातिमा सना शेख है जो फाइनल में बाउट की लड़ती है और बबीता के रोल में शना है तो दोनों ने बखूबी किरदार हमारे निभाए हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छे से कोई और निभा पाता हमारा रोल और कुछ टेक्निक्स कुश्ती में ऐसी भी लगाई इन्होंने जो मैं नहीं लगा पाती तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नहीं हमारी बहनें हैं हम हम ही हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें लगी है वो झलक है हमें लग रहा कि उस रोल में हम ही घुस चुके हैं जो इन्होंने रोल निभाया वो बेखूबी बहुत ही शानदार मैं शायद उसकी तारीफ इतनी कर नहीं पाऊंगी जित बोल के जितना इन्होंने किया है जी उन्होंने हमसे यही बोला कि वेल डन बेस्ट ऑफ लक और आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए और
पूरी दुनिया आपको देखेगी और कुछ सीखेगी, तो और सब जी। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और अब लोगों को पता चलेगा और इसको देख कर और भी लड़कियाँ इसमें आगे आएंगी स्पोर्ट्स में, किसी भी क्षेत्र में, तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस फिल्म को।